अब आप आ गए चक्रव्यूह में और तुम दिन भर इंस्टाग्राम देख रहे हो। एडल्ट मतलब चक्रव्यूह। तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान तुम्हारे अंदर है। बहुसंख्यक लोग लड़ने से बचते हैं। नहीं बच पाओगे सर, ऑप्शन ही नहीं है। ये लाइफ का मतलब युद्ध, मैं तो सोचता हूं लाइफ कहना ही नहीं चाहिए। लाइफ का मतलब युद्ध, चाइल्डहुड, बचपन, कंपटीशन चल रहा है, चाचा के लड़कों से, मौसी के लड़कों से, बुआ के लड़कों से। यूथ, यूथ, अब कंपटीशन भी है, चुनौती भी है, चैलेंज और कंपटीशन दोनों एंटर कर गया। कि बेटा आईटी कर लो, बेटा आईटी कर लो और बस आईटी क्वालिफाई कर लो, उसका जीवन में पढ़ना ही नहीं बेटा, उसका तुम्हारे जीवन की सारी समस्या खत्म बेटा। आईटी भी बन गए, एडल्ट हो गए, आईआईटी क्वालिफाई कर लिया, आईएएस क्वालिफाई कर लिया, अब विवाह भी हो गया, आईआईटीएन भी हो गए, आईएएस भी हो गए, शादी भी हो गई, मैरिज, अब आपके बच्चे दूसरों से कंपटीशन कर रहे हैं, अब आप उन पे नजर रखो। बाहर चुनौती नौकरी कैसे संभले और अंदर चुनौती परिवार कैसे संभले। अब आप आ गए चक्रव्यूह में। एडल्ट मतलब चक्रव्यूह। बाहर नौकरी, अंदर परिवार, और दोनों को टाइम चाहिए। और यहीं पे संन्यास का भाव उठता है। करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, मरे जा रहे हो। तो कोई लिमिट नहीं। बाहर बॉस नाराज है, अंदर परिवार वाले नाराज है, बच्चे नाराज है, बीवी नाराज है, माँ बाप नाराज है। तो तुम यार से बीवी की बात मानते हो, हमारी तो सुनते ही नहीं। बीवी कह रही कि अम्मा तुम्हारी कह देंगी तो तुम जो है 6 मंजिल से कूद जाओगे। बच्चे कह रहे हैं कि पापा स्कूल स्कॉर्पियो से बताया करो। हमारा भी एक स्टेटस है पापा। और ओल्ड एज में बीमारियां, डिजीजेस, निग्लेक्शन, देखो अब यही बात बुद्ध को समझ में आ गई। सिद्धार्थ को, वो बुद्ध बन गया कि भैया हमें ये कुछ करना ही नहीं। भैया बुद्ध ने कहा भैया हम ये सब ड्राइवबाजी नहीं करेंगे। फाइनली रिजल्ट क्या है? जीरो। एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट जीरो है, कोई फायदा नहीं। इसका मतलब जीना छोड़ दें? नहीं, एक और ऑप्शन है, कृष्ण। कहते रहेंगे तो हम इस खेल में और मजा लेंगे। संघर्ष का, जिसने जीवन में यह उद्देश्य बना लिया कि मैं अपने संघर्ष का मजा लूंगा, मैं भागूंगा नहीं, सवाल ही नहीं उठता, सवाल ही नहीं, भागना तो है ही नहीं, आओ खड़े करो बवंडर, तूफान। और इस लड़ाई में तुमको काम आएगी शक्ति, इसकी मन की और शरीर की। इस युद्ध में तुम्हें काम आएगी शक्ति, मन की शक्ति और शरीर की शक्ति, बॉडी की शक्ति। और तुम खा रहे हो गुटखा, तुम खा रहे हो गुटखा,
तुमको बढ़ाना है शक्ति और तुम खा रहे हो गुटखा। तुमको बढ़ाना है शक्ति और तुम दिन भर इंस्टाग्राम देख रहे हो। तुम्हारे मन को, तुम्हारे मन की जो सबसे बड़ी ताकत है धैर्य, उसको तुम खत्म कर रहे हो क्योंकि इंस्टाग्राम का टाइम 1 मिनट से ज्यादा है ही नहीं। तो मन भी कमजोर होता जा रहा है और शरीर भी कमजोर होता जा रहा है।